जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो सवाल है वो सवाल है व्हाट आफ्टर क्लास 10। टेंथ के बाद हम किस तरीके से आगे बढ़ें, या सिंपल वे में इसको ये भी कह सकते हैं कि टेंथ के बाद किस तरीके से हमें सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की ये समस्या होती है कि अभी हम अपने बच्चे को कौन से सब्जेक्ट्स 11, 12 में दिलाएं। तो मैं उन सभी पेरेंट्स को और उन सभी स्टूडेंट्स को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहूँगा। वो स्टेप क्या है? सबसे पहले आप अपने बच्चे से या फिर वो स्टूडेंट्स अपने आप से एक सवाल पूछें कि उनको किस तरीके का लाइफस्टाइल चाहिए। लेट सपोज कल के दिन आप किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आने वाले 15-20 ईयर्स में आप अपने लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, आप लोगों के पास किस तरीके की चीज़ें होंगी, कैसा घर होगा, कैसी गाड़ी होगी, कैसा लाइफस्टाइल होगा, समाज में लोग आपको किस तरीके से देखेंगे। तो आज ही आपको ये प्लान करना होगा। जैसे ही आपने वो प्लान कर लिया, लेट सपोज आपको एक आर्मी ऑफिसर बनना है, तो एक आर्मी ऑफिसर की कैसी लाइफस्टाइल होती है? लेट सपोज आपको एक IAS ऑफिसर बनना है, तो एक IAS ऑफिसर की कैसी लाइफ होती है? लेट सपोज आपको एक क्रिकेटर बनना है, तो एक क्रिकेटर की कैसी लाइफस्टाइल होती है? लेट सपोज आपको एक रिपोर्टर बनना है, तो एक रिपोर्टर की कैसी लाइफस्टाइल होती है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज ही सोचनी है कि आपको किस तरीके का लाइफस्टाइल पसंद है, उस लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली आप अपने लक्ष्य को चुनेंगे। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो उसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट्स का चयन करेंगे, और अगर हमें रिपोर्टर बनना है तो हम उसी के अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट्स का चयन करेंगे, और अगर हमें क्रिकेटर IAS ऑफिसर बनना है तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने सब्जेक्ट्स को चुनेंगे। होता अक्सर क्या है कि अगर हमारी परसेंटेज अच्छी आई है, 70 एंड अबव है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें साइंस लेना है, और अगर किसी की 80 अबव है तो कहते हैं कि हमें PCM लेना है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हमें लेना है। परसेंटेज कम है तो उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स लेने हैं, अगर परसेंटेज बहुत ही कम है तो उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स हमें लेने हैं। देखिए होता क्या है कि अलग अलग करियर्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमने देखा है कि 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, जिसको हम ह्यूमैनिटीज़ भी कहते हैं। मैंने अपने करियर में देखा है, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बता सकता हूँ कि एक साइंस का स्टूडेंट भी सक्सेसफुल होता है, एक कॉमर्स का स्टूडेंट भी सक्सेसफुल होता है, और एक आर्ट्स का स्टूडेंट भी सक्सेसफुल होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं और उन सब्जेक्ट्स को चुन के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहला सवाल यही है कि आप किस तरीके का लाइफस्टाइल चाहते हैं, और उस तरीके का लाइफस्टाइल आपको कौन से करियर प्रोफेशन में मिल रहा है, ठीक है। स्टेप 1 लाइफस्टाइल, दूसरा उस लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली करियर, तीसरी चीज़ जो है वो है कि आप अब उस करियर तक पहुंचने में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स की आवश्यकता है, और 4th प्लान है इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट इज लाइफस्टाइल, देन योर ड्रीम जॉब, देन सब्जेक्ट्स, देन इम्प्लीमेंटेशन कि आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 4 ये मेजर स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, और जब आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप इजीली अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। सो दिस वॉज द रोड मैप टू सक्सेस। थैंक यू।